दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी में से एक बन गई है। इसरो ने जब से मंगलयान मिशन और चंद्रयान 3 जैसे बड़े मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तब से पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान रही है। क्योंकि दोस्तों, जो मिशन नासा, रसिया और चाइना वालों ने भी नहीं कर पाए, वो मिशन इसरो ने चुटकियों में कर दिखा दिया। वो एक समय था जब इसरो के साइंटिस्ट बैलगाड़ी पर मिसाइल के पार्ट ले जाया करते थे, जिसे देख पूरी दुनिया इसरो पर हंसती थी। लेकिन वही हंसने वाली दुनिया आज इसरो की मेहनत और सफलता को देखकर इसरो की ही दीवानी बन गई है। पर दोस्तों, ये तो इसरो और 140 करोड़ भारतीयों के लिए केवल शुरुआत है। अभी इसरो को उस मुकाम पर पहुंचना है जिस मुकाम को इस दुनिया वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसरो आने वाले समय में मंगल ग्रह पर इंसान को ले जाना और सूर्य पर अपना सैटेलाइट को भेजने जैसी कई बड़ी मिशन को अंजाम देने वाला है, कि जिसे देख अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान तो क्या बल्कि पूरी दुनिया सदमे में जाने वाली है। तो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में आपको इसरो के 5 ऐसे बड़े फ्यूचर मिशन के बारे में बताते हैं कि जिसे जानकर आप भी भारत किसान इसरो पर गर्व महसूस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसरो के एक ऐसे रहस्यमय मिशन के बारे में बताऊंगा कि जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो बस आप इस वीडियो को केवल अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, आदित्य L1 सोलर मिशन। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंडिंग होने के बाद इसरो अब एक और नया इतिहास रचने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो हाल ही में यानी तारीख 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सोलर मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन का काम सूर्य के नजदीकी जाकर सूर्य के बारे में रहस्यमय चीजों का खोज करना है। इसरो ने इस आदित्य L1 मिशन का कुल बजट करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास बताया है। और दोस्तों, अगर इसरो ने इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया तो भारत ये करने वाला अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा, जो कि ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। नंबर 4, गगनयान 1 मिशन। दोस्तों, इसरो ने चांद पर दुनिया के सबसे कम बजट में अपना लैंडर और रोवर प्रज्ञान को भेजकर अपनी पावर तो दिखाई दिया है, लेकिन इसरो चांद पर अब इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इसरो दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में गगनयान 1 नाम का एक मिशन को लॉन्च करेगा, जिसमें हमारे भारत के 3 एस्ट्रोनॉट चांद पर अपना कदम रखेंगे। इसरो ने इस गगनयान मिशन का कुल बजट लगभग 9025 करोड़ रुपए बताया है। और दोस्तों, अगर इसरो इस मिशन में सफल हो जाता है तो भारत स्पेस में अपना एस्ट्रोनॉट भेजने वाला अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। फिलहाल इसरो इस मिशन का टेस्टिंग कर रहा है। नंबर 3, शुक्रयान मिशन। दोस्तों, स्पेस के इस रेस में अब हमारा इसरो पृथ्वी का जुड़वा कहे जाने वाला वेनस यानी शुक्र ग्रह पर अपना पहला मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन बेहद ही खास होने वाला है, जो हमारे पड़ोसी देश कहे जाने वाले वेनस का अध्ययन करेगा। इसरो अपने शुक्रयान मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च करने वाला है। पर दोस्तों, आप इस दुविधा में पड़ गए होंगे कि इसरो इस शुक्रयान मिशन को इतना जल्दी क्यों लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे इसरो की एक मजबूरी है। अगर इसरो इस शुक्रयान मिशन को 2024 के लास्ट में नहीं लॉन्च कर पाता है तो इसरो को इस मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरे 7 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि साल 2024 के लास्ट में वेनस यानी शुक्र ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के सबसे पास से गुजरने वाला है। इसीलिए इसरो को हर हाल में 2024 के लास्ट तक शुक्रयान मिशन को लॉन्च करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 7 साल बाद वेनस पृथ्वी के पास से गुजरेगा और 2031 में जाकर ये मिशन लॉन्च होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वेनस हमारे अर्थ से दूर होगा तो इसरो अपना शुक्रयान मिशन को लॉन्च नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर वेनस हमारे पृथ्वी से दूर होगा तो इसरो उस पर कोई मिशन नहीं भेज सकता। इसरो अपना मिशन तो जरूर भेज सकता है, पर अगर वेनस पृथ्वी से दूर होगा तो उस पर कोई मिशन भेजने के लिए बहुत ही ज़्यादा इथेन, हाई टेक्नोलॉजी और पैसा लगेगा, जो कि ये इसरो कभी भी नहीं चाहेगा। फिलहाल इसरो इस अपने शुक्रयान मिशन पर बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसरो अपने शुक्रयान मिशन पर 100% सफल होगा।
नंबर टू, मंगलयान टू मिशन। हमारा इसरो मून और वेनस पर कब्जा करने के बाद अब हमारे इसरो की नज़र मार्स यानी मंगल ग्रह पर भी है। आप सब ये तो जरूर जानते होंगे कि इसरो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 1 मिशन को लॉन्च किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल ग्रह को छूने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। लेकिन अब इसरो मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। जैसे चंद्रयान 3 मिशन में इसरो लैंडर और रोवर प्रज्ञान को चांद पर भेजा था, वैसे ही मंगलयान 2 मिशन में इसरो लैंडर और रोवर प्रज्ञान को मंगल ग्रह के सतह पर भेजेगा और रोवर ये पता लगाएगा कि क्या सच में मंगल ग्रह इंसानों के रहने लायक है भी या नहीं। फिलहाल इसरो इस मंगलयान 2 मिशन की टेस्टिंग में लगा हुआ है और उम्मीद है कि इसरो इस मिशन को साल 2025 तक लॉन्च करेगा। दोस्तों, एक पॉइंट की बात और आपको बता दे कि इसरो साल 2031 तक मंगलयान 3 मिशन को भी लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह की सतह पर भेजेगा। दोस्तों, नंबर 1 वाला मिशन जानने से पहले, अगर आप भी भारत किसान इसरो का सच्चे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 1, लूपेक्स मिशन। दोस्तों, लूपेक्स मिशन इसरो की सबसे बड़ी स्पेस मिशन होने वाली है। ये एक ऐसा मिशन है कि जिसे भारत और जापान मिलकर लॉन्च करेंगे। इस लूपेक्स मिशन का पहले नाम चंद्रयान 4 था, लेकिन जापान भी इसरो के इस मिशन में शामिल हो गया, जिसकी वजह से इसका नाम बदलकर लूपेक्स मिशन रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। आपको बता दें कि ये मिशन भारत और जापान के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ये लूपेक्स मिशन मून के उस डार्कर पार्ट पर लैंड करेगा कि जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है और उस जगह पर कभी भी सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ती है। इस लूपेक्स मिशन को 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसका मेन काम मून के डार्कर नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिस्कवरी करना है। अगर भारत और जापान इस मिशन में सफल हो जाते हैं तो ये दोनों देशों के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तो दोस्तों, यही थे इसरो के 5 बड़े फ्यूचर मिशन के बारे में। वैसे आपको इन 5 मिशन में से सबसे अच्छा मिशन कौन सा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।